नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग और एक केस स्टडी पे आ रहे हैं। ये एक टेक्नीशियन का टीवी है, टेक्नीशियन का सेट है। तो इसमें वो खोल कर ही लाया है, ऐसे ही पैक करके बैग में लाया है। बोला कि स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा, स्टैंड बाय लाइट ही नहीं जल रहा है सर। हम 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है इसमें, शायद आप देख पाएंगे कि ये सेंसर है, इसमें एलईडी है, ये नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा, इसमें कहीं बोर्ड में प्रॉब्लम है। चलो तो बोर्ड के निकल कर मैं टेबल पे जा रहा हूँ। ये बोर्ड लाया है टेबल पर, इसको चेक करेंगे सप्लाई देकर और सब वोल्टेज जो है उसको चेक करेंगे। अब दे रहा है सप्लाई, मीटर को डीसी मोड में लाया है। एक प्रॉब को ग्राउंड किया है और सबसे पहला है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बन जाता है इसमें, इस कॉइल पर। ये एक देख पाएंगे शायद, ये एक 6 पिन का रेगुलेटर आईसी है, इससे 5 वोल्ट बनता है। तो वो बन रहा है कि नहीं देख रहा है, देखिए इसमें 0-0 है, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई सप्लाई नहीं मिल रहा। और उसके बाद अगर 5 वोल्ट नहीं बना तो दूसरा कोई सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि 5 वोल्ट से ही 3.3, 1.8, ये 1.8 का है, ये 3.3 है, ये 1.2 सीपीयू का कोर वोल्टेज है प्रोसेसर का। अगर पहले 5 वोल्ट आना चाहिए, उसके बाद सब देखेंगे। तो एक बार कूल टेस्ट करके उसका सप्लाई देखेंगे, ये उसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। हम लोग लाए हैं हम मीटर को डायोड मोड में। अब डायोड मोड में, या आप अगर आपका मीटर में बाजर मोड है तो बाजर मोड में चेक कीजिए। अब देखिए इधर तो शॉर्टिंग दिखा रहा है बिल्कुल, फॉरवर्ड में और रिवर्स में ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब इसमें इस कॉइल पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये लाइन शॉर्टिंग है। तो एक बार ये 6 पिन का जो आईसी है उसको निकल कर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आईसी फॉल्टी हो सकता है, इसमें भी फॉल्टी होता है। उसके लिए थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ। और आयरन से थोड़ा सोल्डरिंग करने से जल्दी निकल जाएगा, एसएमडी को ज्यादा देर तक रुकना नहीं होगा। सोल्डर पकड़ लिया रहा। अब हॉट गन से निकल जाएगा ये कंपोनेंट। पहले निकल कर देख लेते हैं कि फॉल्टी कौन सा है। इसको निकाल लिया, इधर
अब हम फिर इसको शॉर्टिंग चेक करेंगे, मीटर पे दिखाई देगा आपको। अब देखिए ये ऐसे ही फॉल्टी था, इसके वजह से ये 0-0 दे रहा था, शॉर्टिंग दिखा रहा था। अभी कॉइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ऐसे हटा दिया तो। फिलहाल मेरे पास 5 वोल्ट का ये आईसी मेरे पास शायद नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन सा नंबर था। AGP, एक मिनट। है 1117LD5, इसमें कुछ ये भी नहीं है। ट्रिपल वन सेवन ट्रिपल वन एट, ये भी एक बार देख लेते हैं। ये 5 वोल्ट का आईसी, 6 पिन तो है जरूर, लेकिन कोडिंग अलग कुछ होगा शायद। नहीं, ये नंबर अलग है। तो हम लोग एक मॉड्यूल लगाकर देख लेते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम आईसी तो नहीं मिलेगा, फिर एक बार मॉड्यूल मॉड्यूल है इधर। ये है, ये जो मॉड्यूल है CA1235, ये मॉड्यूल सब जानते होंगे आप लोग। तो ये एक बार लगा के देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको यूज करने के लिए मेरे को 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो 5 वोल्ट का लाइन शॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला जो शॉर्टिंग पैड है, शॉर्ट पैड है, वो 5 वोल्ट का है। 3.3 है, ये 2.5, 1.8, 1.5 और डिफॉल्ट 1.2 है। 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दे रहा हूं। शॉर्ट कर दिया। तो एक बार थोड़ा आईपी से क्लीन कर लेते हैं। तो ये है आउटपुट का, क्योंकि इनपुट हम इससे ही ले रहे हैं 12 वोल्ट से, तो इसका ही ग्राउंड कॉमन ग्राउंड होगा, तो आउटपुट के लिए माइनस नहीं लग जरूरत नहीं है। तो इन में 12 वोल्ट दे दे रहा हूं। इसके लिए ग्राउंड में रखकर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है,
ये 12 वोल्ट सप्लाई है और ये ग्राउंड है। इन माइनस को ग्राउंड से जोड़ लेता हूं। पहले शोल्डर पकड़ा लेता हूं। जो माइनस है इन माइनस उसको ग्राउंड के साथ जोड़ दे रहा हूं और इन प्लस को 12 वोल्ट का ट्रैक से जोड़ लेता हूं। और आउटपुट को इस कॉइल से डायरेक्टली जोड़ देता हूं। कॉइल का जो ट्रैक आईसी पे जा रहा था उसी पे दे रहा हूं माइक्रो आयरन से, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्टली कॉइल पर दे सकते हैं। तो मॉड्यूल डाल दिया इसमें, अब सप्लाई चेक करेंगे हम। डीसी रेंज में लेकर जा रहा हूं। तो कॉइल पर आपको 5 वोल्ट दिख रहा, उसके बाद इसमें 3.3 ये भी नहीं आ रहा। इसमें तो आ रहा, इसमें 5 वोल्ट पहुंच रहा, इसमें क्यों नहीं, इसमें भी आ रहा है। इस लाइन पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा। अब देखिए क्लास का 3 नंबर पिन पे 3.3 आ रहा, मतलब ये जो रेगुलेटर है इसमें भी 5 वोल्ट मिल रहा, इसकी वजह से ये 3.3 इसको दे रहा। इधर 1.8 और 3.3 ये होगा, फिर भी एक बार ट्रिगर मतलब स्विच करके देख लेते हैं, ऑन करने की कोशिश करते हैं। नहीं ऑन हो रहा है, फिर एक बार देख लेते कहीं पे ट्रैक मिसिंग है कि नहीं। सॉरी दोस्तों, उस टाइम मैंने सेंसर नहीं लगाया, इसीलिए समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये स्टैंड बाय लाइट जल रहा है, रेड इंडिकेशन हो रहा है। देखिए आप इधर देखिए, स्टैंड बाय लाइट जल रहा है और इधर 5 वोल्ट, इधर 1.2 वोल्ट, चाहे 1.3 के आसपास हो कोर वोल्टेज, और इधर 3.3 वोल्ट, ये तीनों बन रहा है। उसके बाद सेकेंडरी के लिए आफ्टर पावर ऑन, पावर ऑन स्विच करने के बाद इधर 1.8 और इधर 3.3 बनेगा, ये इसी का। आप अभी स्टैंड बाय रिलीज कर रहे हो, देखिए आप ब्लू लाइट जल गया, स्टैंड बाय रिलीज हो गया, अब 1.8 बन गया इधर वोल्टेज और इधर भी 3.3 बन गया, मतलब मेरा बोर्ड अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। और इधर कुछ फॉल्टी कंपोनेंट है, आपको दिखा रहा हूं, दो
क्या, 3 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर ये फूल चुका है और बाहर निकल चुका है, ये दोनों को चेंज करेंगे हम, उसके बाद वीडियो चेक करेंगे हम लोग, वीडियो दे रहा है, ये चेंज करने तक हम लोग वीडियो पॉज करो। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मॉड्यूल फिक्स कर दिया, वो बोर्ड को इधर फिक्स कर दिया और वो तीनों कैपेसिटर चेंज कर दिया। अब ये डिस्प्ले लगा कर देखेंगे हम। अभी स्टैंड बाय मोड में है, अब स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज हो गया, लोगो दिखा रहा है पेंटागन, और अब इसको सिग्नल देकर देखेंगे हम। अब देखिए ये टीवी कम्प्लीटली रेडी। उस टाइम एक प्रॉब्लम हुआ था कि पिक्चर तो आ गया था लेकिन साउंड का दिक्कत था, और ये काम बहुत टाइम लग गया साउंड लाने के लिए, वो अगर वीडियो नहीं कर पाया और बहुत टाइम लगा तो लॉन्ग हो जाता, इसीलिए नहीं कर पाया। तो अभी फ़िलहाल जॉब डन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा।